हमारी सिटिंग कितने अच्छे तरीके से हम बैठे होंगे। डोगरे दा खाना तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। सो आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आए हैं जिसमें हम आपको जम्मू का ट्रेडिशनल खाना बताने वाले हैं, मतलब डोगरी खाना। जी हाँ, जम्मू में मिल रहा है डोगरी खाना। और वो कहाँ पे मिल रहा है? वो मिल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनकी आउटलेट का नाम है डोगरे दा खाना, जहां पर आपको डोगरी खाना मिलेगा, बिल्कुल प्योर डोगरी खाना। इस ब्लॉग में हम पूरा आपको बताने वाले हैं, तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको पूरी कवरेज करने वाले हैं इसी ब्लॉग में। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो दोस्तों, इस समय हम आपको डोगरी फूड खिलाने आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है क्यूर की। यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और आज खाना खाने के लिए, डोगरी फूड के लिए। तो लोकेशन आपको हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस समय जो है क्यूर की मेकिंग हो रही है, ये देखिए। और अगर बाहर हम आपको बताएं तो बाहर बन रहे हैं भाई मक्की दे टोडे। ये देखो भाई, मक्की के टोडे और सरसों का साग जो बहुत फेमस रहता है। तो इस समय ये देखिए मक्की के टोडे बन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चूल्हे पर जो है ये तवा ऊपर रखा गया हुआ है और यहाँ पर जो मक्की की रोटी बन रही है, देखिए बहुत बढ़िया भाई। ट्रेडिशनल ये हमारे डोगरों का ट्रेडिशन है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और बाहर तक लोगों को पता चलना चाहिए कि डोगरी फूड किस तरीके का होता है और क्या उसका स्वाद होता है। ये देखिए आंटी ने इस तरीके से ये सारा सेटअप बनाया, बहुत प्यारा सा सेटअप है। तो इनकी मक्की का आटा ये, तो यहाँ से प्रिपरेशन जो है ये कर रहे हैं आंटी, बहुत बढ़िया लगता है। और ये देखिए इनकी जो आउटलेट का नाम है वो है डोगरे दा खाना, खंड मिठे लोक डोगरे। तो इस समय देखिए लोगों का क्राउड यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने सिटिंग भी रखी हुई है। ये देखिए सिटिंग, यहाँ पे अंदर बाहर सिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये देखिए अंदर भी बताते हैं, अंदर इस समय जो है सर्विंग चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लेट लगाई जा रही है, यहाँ पे ये अंबल राजमा दाल और ये आ गया सरसों का साग। ये देखिए एक पूरी प्लेट यहाँ पे लगाई जा रही है, ये टोडे वगैरह जो है अभी इसके साथ सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यूर बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे मैम ने यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं और ये भी शिफ्ट होने लगा है यहाँ पे। ये देखिए ये मेरे डोगरों का खाना। आपने कब खाया लास्ट? सर्दियों में मैं जब गांव में गया था तब। सारी प्रिपरेशन देखिए इस चूल्हे पे हो रही है, लकड़ी का बहुत बड़ा पीस डाला हुआ है चूल्हे के अंदर और ऊपर तवा रखा हुआ। देखिए यार ये आ गया मेरा फेवरेट सरसों का साग। और क्या भैया, क्या
वो मैंने ट्राई नहीं किया, सारा फूड एक्सप्लोर किया हुआ। तो इस समय मैदे को ये देखिए पूरा मिक्स किया जा रहा है, तो क्या क्या बीच में ऐड होता है इसको जिससे ये मतलब पूरा बनने के लिए तैयार हो जाता है? इसमें नमक डालते हैं, थोड़ा नमक और अजवाइन। अच्छा, बस घी डालेंगे तो बना देंगे। ये देखिए इस समय मिक्स हो रहा है इसका मिक्सचर, तो इस समय इसकी मेकिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए भाई, यही तो बताना है ना कि और क्या होता है लोगों को। इस समय ये देखिए देसी के बीच में ऐड करके क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका क्यूर का मिक्सचर है वो फिलहाल यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी मिक्स मतलब इसको मिक्स किया जा रहा है प्रॉपरली। लो जी, हमारा आ चुका है डोगरी खान। सबसे पहले ये देख लीजिए क्यूर आ गया हुआ है, देखो क्यूर, और ये टोडा और सरसों का साग जो आप सुनते हो भाई, मक्के की रोटी है सरसों का साग। तो फाइनली आज डोगरी फूड जम्मू में भी मिलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए सबसे पहले दाल दी गई है हमें इसके साथ, तो ये आ गया भाई हमारा ट्रेडिशनल अम्बल, और ये हमें चटनी दी गई है इसके साथ अनारदाने की चटनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्यूर खाकर बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए क्रंची कितना भाई, ये देखो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे, सिर्फ नॉर्मल पहले ऐसे टेस्ट करेंगे, और देख सकते हैं हम आप हमारी सेटिंग कितने अच्छे तरीके से हम बैठे हुए, जैसे हम डोगरी में जो हम फूड इंजॉय करते हैं तो इस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं आज। तो चलिए खाते हैं। वाओ भाई, कहना पड़ेगा सीरियसली बहुत बढ़िया यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर पर खा रहे हो। मैंने लास्ट टाइम ये हो गया 5-6 साल पहले मैंने गाँव में जाके खाया था इस तरीके से बैठ के, तो मतलब वो यादें आज पुराने मतलब ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया। अभी चलते हैं टोडे की तरफ, टोडे को भी खाते हैं भाई सरसों के साग के साथ जो भाई बहुत फेमस है। ये आ गया भाई अपना टोडा, ठीक है, मक्के की रोटी और सरसों का साग, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चलो जी लेट्स डू इट। ये आ गया भाई अपनी बाइट, ठीक है। फाइनली मैं बोल रहा हूँ इतना ज़बरदस्त बना हुआ ना, मतलब इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है भाई, ये तो बोलना पड़ेगा कि ज़बरदस्त बना हुआ है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आकर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था। अगर आप भी ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आकर ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो फिलहाल आप ब्लॉग में बने रहें, कुछ और होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। तो ये देखिए इस समय जो है टोडे तैयार किए जा रहे हैं, तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, अगर किसी ने यहाँ पर आना होगा तो लोकेशन क्या पड़ती है? मंथल नेशनल हाईवे हाईवे। तो आपने ये कब से स्टार्टअप किया है इसका? 3 महीने हुए अभी। 3 महीने। तो आप यहाँ पे क्या क्या मतलब सर्व कर रहे हैं? इधर बनाते हैं मक्की की रोटी बनाते हैं। हाँ जी। सरसों का साग है। हाँ जी। साथ में दाल है, अम्बल है, मतलब सारे जो डोगरी चीजें होती है वो आप यहाँ पे? हाँ, पूरी इधर। और क्यूर भी रखा हुआ? क्यूर भी बनाते हैं, लस्सी है। अच्छा, लस्सी भी रखी हुई है? हाँ जी। क्या बात है। तो यहाँ पे एक आप थाली वगैरह भी कोई देते हैं? हाँ जी। थाली का क्या रेट रखा हुआ? 100। उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक मक्की की रोटी, 2 मक्की की रोटी है। हाँ जी। तो साथ में क्यूर है। हाँ जी। और दही और पूरा। क्या बात है, बहुत अच्छा कॉम्बो। साग, अनारदाने की चटनी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये किसी ने यही खाना होगा, ये एक पीस ये कितने का पड़ता है? ये 15 का पड़ेगा। 50 का? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने लोकेशन देख ली है, अगर आप कभी विजिट करना चाहते हैं तो फटाफट से इस लोकेशन पे आ सकते हैं, मंथल लोकेशन पे। इनकी प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो इनकी आउटलेट का नाम है डोगरेता खाना, जहाँ पे अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए जो ये जो मेन रोड जा रहा है, ये जा रहा है उधमपुर की ओर मंथल की तरफ, जहाँ पे आपको अचार वाली शॉप्स मिलती है ना मंथल में, तो उससे आपने 500 मीटर पहले आना है, जहाँ पे आपको ये स्ट्रीट लाइट मिलेगी, ये गोल सी। तो ये जम्मू की तरफ रास्ता जा रहा है और ये जा रहा है उधमपुर की ओर, और हमने जाना है यहाँ पे राइट साइड, आपको या उनका आउटलेट मिल जाएगा जिनका नाम है डोगरेता खाना, जहाँ पे यहाँ पे सारा ट्रेडिशनल से जो है खाना सब। सो दोस्तों फाइनली हमने जो है यहाँ का डोगरी फूड एक्सप्लोर किया, और मतलब सारी जो चीज़ें यहाँ पे सर्व कर रहे थे वो हमने यहाँ पे खाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है, और घर वाला टेस्ट यहाँ पे जो है मैम सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टार्टअप है इनका, और डोगरी को जो प्रमोट कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है।
हमारी डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, सो इनको फुल सपोर्ट है। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं इनको ज़रूर सपोर्ट करना है। जैसे कि मैम ने बताया कि मंथल से 500 मीटर्स पहले जो है इनकी लोकेशन पड़ती है, जिसका नाम सामने आप देख सकते हैं, डोगरे दा खाना, जो इनकी आउटलेट है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं, मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। मैं आपको शुभम लूंगा, आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। महंगी लाए भी 20 रुपए दी है।